मक्सी जी, मेरा तो अकेले मन ही नहीं लग रहा, और आप है कि इतना समय लगा रहे हैं आने में। देख कर आती हूँ। शुक्र है आप आ गए, मैं आपको देखने के लिए बाहर आने ही वाली थी। आपको वचन देना होगा कि कल्याणी से आपकी कोई संतान नहीं होगी, आपकी संतान सिर्फ आपकी पहली पत्नी राधामणि से होगी। कल्याणी को कैसे बताओ राधा के दोहर पूर्ति वचन के बारे में? कितना समय लगा दिया आपने? वो कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए देर हो गई। देखिए ना बक्सी जी, देखिए देखिए ना बक्सी जी, कितना सुंदर सजाया है तिलोत्तमा और गदाधर ने हमारे कमरे को। हमारी शादी की पहली क्या हुआ? कुछ नहीं बक्सी जी, ऐसी बातें लड़कियां कहाँ कहती हैं? लड़कियों को तो सिर्फ घूंघट ओढ़कर अपने पति की राह देखनी चाहिए। आप बताइए बक्सी जी, क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं इस तरह घूंघट ओढ़कर आपका इंतजार कर रही हूँ और फिर आप धीरे से मेरा घूंघट उठाकर मुझे देखते हैं, फिर मैं नजरें नीचे झुका लूं और आप मेरी ठुड्डी को उचकाकर मेरा चेहरा देखें? बक्सी जी, क्या आप मेरे आभूषण उतारने में मेरी मदद करेंगे? क्या हुआ बक्सी जी, आसान है, मैं आपको सिखाती हूं। देखा बक्सी जी, कितना आसान था। क्या हुआ बक्सी जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं वो राधामणि, राधा दीदी, आपको राधा दीदी की चिंता हो रही है? नहीं नहीं, चिंता हाँ। चिंता नहीं हो रही है। चिंता है भी तो सही है, मैं समझ सकती हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ, आप, मैं और राधा दीदी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो में से किसी के लिए आसान नहीं रहा है, खास करके राधा दीदी की। वो माँ बनने वाली है, फिर भी उन्होंने मुझे इस घर में स्वीकार कर लिया। आज हमारा विवाह होते थे, मैं कैसा लगा होगा? उनके मन में क्या चल रहा होगा, यही बातें आपको परेशान कर रही होगी, है ना? और ऊपर से ये सारी सजावट देखकर आपको मेरी तरफ एक जिम्मेदारी महसूस हो रही होगी, क्योंकि आज हमारे शादी के पहली रात है ना बक्सी जी? हाँ, वो फिर हम एक काम करते हैं, किसी भी बात का कोई भी बोझ आप दिमाग पर मत रखिए। हमारे इस नए जीवन की शुरुआत हम इस तरह क्यों नहीं करते जैसे तो दोस्त हो?
बक्सी जी हाथ बढ़ाइए ना, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हाँ दोस्त, दोस्त ठीक है तो आइए मेरे साथ। ये नई शुरुआत हम दो दोस्तों के लिए खास कैसे बनेगी मैं आपको बताती हूँ। कल्याणी मेरी पत्नी है, कल्याणी को मैंने तन मन से अपने धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारे डर के कारण मैं उससे पत्नी होने का अधिकार नहीं जीत सकता, यह अन्याय होगा उसके साथ। मुझे माफ करिए, मैं ये वचन नहीं दे पाऊंगा। सीजी आए नहीं अभी तक। सुनो, तुमने बक्सी जी को कमरे के बाहर आते हुए देखा क्या? नहीं राधा मणि जी, आज्ञा अभी अंदर ही है। ठीक हो जी। जी धनी बक्सी जी ने कल्याणी को दोहत पूती वाली बात बताई है या नहीं, या फिर बताई हो पर कल्याणी ने ना माना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बक्सी जी पर पूरा भरोसा है, उन्होंने इस वचन का मान रखा भी होगा और रखवाया भी होगा। राधा, प्यार अगर अंधा हो तो उसके सामने वचन भी गूंगा हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कह दिया और जमाई जी ने मान लिया? अभी भले ही हाँ बोल दिया हो, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर जमाई जी खुद को कल्याणी के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए तो तुम्हें दिए हुए वचन के लिए कल्याणी से दूर रह पाएंगे क्या? माँ, अगर बक्सी जी कल्याणी के साथ है भी तो भी वो दोहद पूर्ति वचन का मान जरूर रखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे ही नहीं उनकी होने वाली संतान के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। आपको कुछ दिखाना है बक्सी जी, आइए। अरे कल्याणी, तुम मुझे यहाँ बाहर क्यों लेकर आई हो? देखिए, मैंने सोचा अब जब हम एक नई शुरुआत कर ही रहे हैं तो आपको मेरे बारे में एक ऐसी चीज बताओ जो आप नहीं जानते। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अपनी कल्याणी के बारे में नहीं जानता? कैसे जानेंगे बक्सी जी, ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, आपको तो पता ही है बचपन से ही युद्ध शिक्षा वाले शस्त्र ही मेरे खिलौने रहे हैं, तो जब कोई तलवार या कोई और शस्त्र टूट जाता था तब मैं बहुत उदास हो जाती थी, रो पड़ती थी। फिर बाबा मुझे ऐसे ही छत पर लेकर आते थे और तारे दिखाया करते थे और कहते थे कि दुनिया में हर किसी को हर रात थोड़ी देर के लिए इन तारों को तो देखना ही चाहिए, ताकि इन तारों को देखकर वो ये महसूस कर सके कि इस विशाल सी सृष्टि का इतना छोटा सा हिस्सा है। बाबा का मानना है कि ऐसा करने से इंसान की सोच बदलती है, उसे अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी सी लगने लगती है, और जब परेशानी छोटी हो तब उसका हल ढूंढना भी बहुत आसान होता है बक्सी जी, है ना? वाह, इन तारों को पहले ऐसे कभी देखा नहीं, कमाल का नजरिया है। नहीं बक्सी जी, वो देखिए ध्रुव तारा। कहते हैं ध्रुव तारा अपनी जगह कभी नहीं बदलता, आप उसे कभी भी देखें वो इसी जगह इसी दिशा में दिखाई देगा आपको, एक टक आपको देखते हुए आपकी मदद करने के लिए तैयार। कहाँ खो गए बक्सी जी? नहीं,
जानती हो, मैं भी अपने आप को इस ध्रुव तारे के समान मानता हूं। मतलब जो जिम्मेदारी है मेरी इस घर, इस रोडंग परिवार की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहीं जब तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि तुम मेरा ध्रुव तारा हो। मैं चाहे जीवन में पथभ्रष्ट हो जाऊं, भटक जाऊं, लेकिन तुम मुझे सही मार्गदर्शन कराओगे, सही पथ पर लेकर आओगे, विश्वास है मुझे। फिर आप तो निश्चिंत हो जाइए बक्सी जी, क्योंकि आपका ये ध्रुव तारा हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको कभी भटकने नहीं देगा। मुझे बहुत नींद आ रही है बक्सी जी, बहुत थक गई आज, चलिए सोने चलते हैं। आप बिस्तर पर सो जाइएगा, मैं खिड़की के पास वाले दीवान पर सो जाऊंगी, वहां खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आएगी, बहुत अच्छे से सोऊंगी। चलिए कि आप ही मेरे बारे में एक बात जानते हैं, आपने एक बार तो झांसा दे दिया, हम दोबारा नहीं। मतलब कि आपने दोनों पर्चियों में मेरा ही नाम लिखा था, अब और धोखा नहीं। बक्सी जी, अब आप चुपचाप जाकर बिस्तर पर सोएंगे और मैं दीवान पर, मुझे और बहस ही नहीं करनी, समझ गए? अब जाइए, मैं आता हूं। जैसी आपकी आज्ञा मेरे बक्सी जी। जल्दी आइएगा। मुझे माफ कर देना राधा, कल्याणी को तुम्हारे दोहड़ वचन के बारे में बताकर मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। गदाधर जी, ये लीजिए, आप शरबत पीजिए, मैं तब तक सामान बांध लेती हूँ। कल सुबह आप और मैं घर के बाहर वाले उपग्रह में रहने चले जाएंगे। श्रुतमा, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उपग्रह में जाने के लिए मुझे हाँ नहीं करना चाहिए थी, और मैं माँ को बता चुका हूँ कि मैं बदल चुका हूँ, पहले जैसा गदाधर नहीं हूँ मैं। उसके बाद भी उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, क्यों? मुझे उनसे बात करनी होगी। शांत हो जाइए गदाधर जी, देखिए अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि माँ ने आपको घर से बाहर रहने के लिए कहा, पर अभी वो गुस्से में है, कहीं आपके सवाल करने से बात और बिगड़ ना जाए। आप ये शरबत पीजिए, खास आपके लिए बनवाया सेविका से, और आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो, चुप ही रहना चाहिए मुझे अभी। आप ये शरबत पीजिए, मैं उपग्रह की चाबी लेकर आती हूँ। गदाधर जी उठिए, मैं जानती हूँ आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। गदाधर जी, आप तिलोत्तमा की बात मान रहे हैं और आपने अपनी माँ से भी घर से जाने देने के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाई। वो
उठिए उठिए उठिए। हाँ जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम पे ये शरबत तुम पे फेंक दूंगा। आपको हो क्या गया है? नशीली चीज मिली है। खदादर जी, आप ठीक तो हैं? खदादर जी, क्या पिया है आपने? खदादर जी, इसका मतलब कोई जान बूझ कर खदादर जी को नशीली चीज मिलाकर पीने के लिए दे रहा है, ताकि वो अपने असली रूप में ना आकर शांत रहे। शादी के बाद आज पहली रसोई है कल्याणी की, और ऐसा रिवाज है कि आज नई दुल्हन अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाती है। जाओ जाके देखो कल्याणी उठी भी है या नहीं। तुम रुको, मैं देखकर आती हूँ। खदादर जी, क्या पिया है आपने? मुझे किसी भी तरह पता लगाना होगा कि गदाधर जी को कौन शरबत में नशा मिलाकर दे रहा है, उनकी माँ या फिर जगबंधु जी। ओहो, क्या कर रही हो? देखकर चलो, और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अच्छा सुनो, कल रात गदाधर जी के लिए खास फलों वाला शरबत किस सेविका ने बनाया था? शरबत वो तो किसी ने नहीं बनाया। किसी ने नहीं बनाया मतलब? वो गदाधर जी के लिए बना था तो इसका मतलब किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना। फिर तो उनकी पत्नी ने बनाया होगा, क्योंकि जब से गदाधर जी वापस आए हैं उनके खाने पीने का सारा ध्यान तो तिलोत्तमा जी खुद रखती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कहीं फिर से गदाधर जी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? चुप करो तुम और जाओ अपना काम करो। इसका मतलब तिलोत्तमा खुद ही शरबत के नाम पर कोई नशीला पदार्थ दे रही है गदाधर जी को। हैरान हूं मैं, निडर योद्धा होकर भी कोई इतना मासूम भला कैसे हो सकता है? इतना तेज दिमाग होने पर भी बच्चों जैसी निश्चलता, और ये तुम्हारे मन की सुंदरता जो तुम्हारे चेहरे की जब बनी हुई है। किसे प्यार नहीं हो जाएगा तुमसे कल्याणी? Thank you.
माँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।